इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर जूनागढ़ के महामंडलेश्वर पायलट बाबा का निधन हो गया है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे पायलट बाबा। पायलट बाबा को हरिद्वार में उन्हें समाधि दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जूनागढ़ के महामंडलेश्वर पायलट बाबा का निधन हो गया है। लंबे समय से पायलट बाबा बीमार चल रहे थे और 86 वर्ष की उम्र में पायलट बाबा ने अंतिम सांस ली है। वे किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। मुंबई के धीरूभाई कोकिलाबेन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बाबा के देहांत से सासाराम स्थित पायलट बाबा धाम आश्रम और भक्तों में शोक की लहर है। पायलट बाबा जिनका पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार भी आशीर्वाद ले चुके हैं। पायलट बाबा का जन्म रोहतास जिले में हरियाणा में हुआ था, बिशनपुरा गांव में, और वे लंबे समय तक समाधि या मृत्यु जैसी शारीरिक अवस्था में प्रवेश करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी समाधि हमेशा जमीन के नीचे होती थी, लेकिन पायलट बाबा आज नहीं रहे। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हुआ। अब भोपाल से बड़ी खबर है।